हेलो मेल्स, मैं हूं अल्फा। वेलकम टू दी डेफिनेटली अल्फा मेल। तो गाइस, मैं वापस से आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई रिव्यू के साथ। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं KTM ड्यूक 200 का। यार 2023 ये मॉडल है, OBD मॉडल है। और भाई, गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। जो इसकी स्टीकरिंग है, ग्राफिक्स है, भाई नेक्स्ट लेवल के हैं। साइड से आप लोग देख पा रहे हैं भाई, कितनी ज़्यादा भयंकर लग रही है। क्लासिक स्ट्रीट फाइटर, आपको LED का पूरा सेटअप मिल जाता है। LED के इंडिकेटर मिल जाते हैं, आगे भी पीछे भी। हर KTM की बाइक में आपको LED का सेटअप, LED इंडिकेटर मिलते हैं। हेडलाइट जो है वो हेलोजन की है, बट LED इंडिकेटर मिल जाए। बॉडी आपको फाइबर की बॉडी मिल जाती है। टैंक जो है वो पूरा आपको मेटल का मिलता है। तो ठीक है गाइस, ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भाई बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, बहुत मेहनत करता हूँ ये सारी वीडियोज बनाने में। तो बात करते हैं फ्रंट लुक की। फ्रंट में आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का सेटअप, उसके नीचे आपको दो DRL मिल जाते हैं और हाइलोजन का आपको ये सेटअप मिलता है। बल्ब जो है वो हाइलोजन का है। फिर नीचे बात करते हैं तो नीचे आपको मेडगार्ड मैट ब्लैक फिनिश के साथ मेडगार्ड मिल जाता है। साइड में आपको WPFX के सस्पेंशन मिल जाते हैं, उसी के ऊपर रिफ्लेक्टर भी आपको मिल जाता है। उसके नीचे बात करते हैं तो आपको यहाँ पर टायर ट्यूबलेस मिल जाता है, MRF का टायर। ऑरेंज कलर के अलॉय काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं MRF के आपको टायर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस, ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी अच्छे हैं। और टायर की अगर साइज़ की बात कर ली जाए तो 110x70 के 17 इंची के टायर है। टायर काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं KTM की स्टिकरिंग भी मिल जाती है। छुड़ाने का मन कर रहा है बट छुड़ाऊंगा नहीं मैं यार। ये देख लीजिए साइड में जिसके यहाँ पे भी अलॉय पे स्टीकर है ना यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाई। एक लुक अलग से आता है भाई, उभर के आता है। ऑरेंज कलर के अलॉय क्या यार, ज़बरदस्त लग रही है। उसके लिए अगर बात कर लेते डिस्क की, तो डिस्क का जो साइज़ है वो 300 mm का डिस्क है विद ABS। फिर आपको यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर मिल जाए। इंजन का जो सेटअप है लिक्विड कूल, वो कितना भयंकर लग रहा है। साइड में फिर आते हैं इंजन की बात करते हैं, तो इंजन के ऊपर आपको रेसिंग KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है। 199.5 cc का आपको इंजन मिल जाता है, लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DUHCFI का। मैक्स पावर इसकी 25 PS की एट 1000 RPM। टॉर्क 19.3 Nm का एट 8000 RPM पे। फिर आपको ओपन चेन कवर मिल जाता है, आपको पीछे का मोनोसॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, वाइट कलर की, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग भी करेंगे तो ठीक है, हो जाएगी। फिर इस तरह आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। अपर एडजस्टेबल नहीं अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये है कि फुटपैक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपको ऊपर ये देखिए ग्रैब व्हील यहाँ पे मिल जाते हैं, एक अलग स्टाइल से यहाँ पे ग्रैब व्हील दिए गए हैं। फिर साइड में आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है, पीछे भी ग्रैब व्हील मिल जाते हैं, आगे भी उधर मिलते हैं पकड़ने के लिए, पीछे भी। पीछे से देख लीजिए सेटअप LED का कितना ज़्यादा भयंकर, टेल लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके नीचे आपको LED का इंडिकेटर मिल जाता है, उसके नीचे आपको नंबर प्लेट की स्पेस मिल जाती है, उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। पीछे वाला टायर की बात कर ली तो आपको ट्यूबलेस मिल जाता है और डिस्क मिलती है विद ABS। पीछे डिस्क की बात कर ले तो 230 mm की डिस्क मिल जाती है विद ABS, डुअल चैनल ABS के साथ आती है। सेफ्टी के मुकाबले में भी अच्छा है, KTM वालों ने ध्यान रखा है। पीछे के टायर की साइज की बात करें तो 150x60 का आपको टायर मिल जाता है, डिस्क देख लीजिए आप विद ABS। तो दोनों आपको ABS मिल जाती है, सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। और ये ब्रेक कैलिबर मिल जाते हैं। अब इस तरफ से अगर आप देखेंगे जो नीचे से पूरा लुक आ रहा है, सस्पेंशन आप इस तरफ से देखिए कितना ज़्यादा डायनेमिक लग, बहुत कंफर्टेबल है भाई। आप ऑफ रोडिंग कह सकते हैं, एडवेंचर जो है उससे भी आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरफ से भी आप ग्रैब व्हील देख सकते हैं कितने ज़्यादा सही लग रहे हैं, लुक ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरफ भी आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है, फुटपैक्स मिल जाते हैं, 6-speed गियर बॉक्स मिल जाते हैं इसमें। और इधर देख लीजिए आपको इंजन काउल मिल जाता है, तो ये जो फीचर है काफ़ी अच्छा इंजन प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके ऊपर आपको KTM की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ये साइड में गिरने का स्टैंड मिल जाता है कि गाड़ी के इंडिकेटर टूटे ना गिरे। यहाँ पे आपको ड्यूक 200 की फाइबर की ये बॉडी है, इसकी स्टीकरिंग मिल जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। बात करते हैं माइलेज की, तो आपको 33 का माइलेज दे देती है आराम से, अगर आप इकोनॉमी की रेंज में चल रहे हैं। अब अगर इसके हैंडल बार की बात कर लें तो फ्यूल टैंक के जस्ट ऊपर आपको देखिए ये की लग जाती है। और अगर मैं दिखाता हूँ, ये इसकी वेव की है, ठीक है, मैं एक बार बंद करके फिर से खोलता हूँ। ये वेव की आप देख सकते हैं, KTM की ब्रांडिंग इसी के ऊपर है। मैं इसको लगाता हूँ, ऑन करता हूँ, तो ऑन जैसे ही करूँगा आप, एक मिनट, ये देखिए ऑन।
सबसे पहली ये देखिए पूरा स्पीड ऑन रेडी टू रेस। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है, इंजन की लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल की मिल जाती है, बीच में आपको आरपीएम की लाइट मिल जाती है, और गियर की देखिए इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं, स्पीड के इंडिकेशन मिल जाते हैं, उसके जस्ट ऊपर आरपीएम का भी है, साइड स्टैंड का फीचर मिल जाता है, टाइम का दिख जाता है आपको, फ्यूल का दिख जाता है, और यहाँ से आप जो मोड है ना सब सेट भी कर सकते हैं। मोड सेट का जो बटन भी दिया है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर, यहाँ पे आपको एबीएस की लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको वार्निंग लाइट मिल जाती है। तो इस तरफ भी आपको एलईडी का सॉरी हाँ एलईडी डिस्प्ले मिल जाता है। क्लच की बात कर लीजिए, क्लच काफ़ी लाइट है, एडजस्टेबल नहीं है बट लाइट है, अच्छा है, पास का मिल जाता है, और आप पास में दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा हाइलोजन का सेटअप है, एलईडी का सेटअप नहीं है इसमें, बल्ब हाइलोजन इसमें लगा है। और अब इसके जस्ट ऊपर देखते हैं तो आपको पासिंग का मिल जाता है, फिर आपको इंडिकेटर का मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, और इस तरह आपको इंजन किल का मिल जाता है, उसके नीचे जस्ट आपको स्टार्ट का मिल जाता है। तो गाइस गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, साइड में किसी मिरर भी देख सकते हैं, मिरर के ऊपर जो कवर दिया है ये भी काफ़ी अच्छे लेदर के हैं, ये कह सकते हैं कि अच्छा है, मतलब इसमें सिर्फ कवर भी दिया गया है, और आपको ब्रेक भी एडजस्टेबल नहीं है, काफ़ी लाइट है, काफ़ी अच्छे हैं, आराम से आपको ब्रेक मिल जाते हैं। अब अगर मैं साइड प्रोफाइल से एक बार दिखा देता हूँ बाइक, तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा भयंकर लग रही है यार। तो गाइस सबसे पहले अब इसके मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ, तो मैं लखनऊ की प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइस वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट प्राइस रहते हैं। तो ये एक्स शोरूम लखनऊ में इसकी प्राइस है 1,92,000। आप अपने स्टेट का नाम कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 159 kg का है। तो ठीक है गाइस, ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज अल्फा मेल साइनिंग ऑफ, बाय।